हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद शबीना। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज ब्रोकली। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैं एक ब्रोकली ली हूँ और यहाँ पे मैं इसे कट करके अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। हाफ बॉल चॉप्ड किए हुए बीन्स, हाफ बॉल चॉप किए हुए गाजर, हाफ बॉल चॉप किए हुए पनीर और दो मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज, एक मीडियम साइज के टमाटर, हाफ बॉल हरे मटर, वन बॉल धनिया पत्ते, दो से तीन आलू चॉप किए हुए, टू टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, दो से तीन चॉप किए हुए हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 लहसुन की कलियां चॉप्ड की हुई, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं एक पैन में 1 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ और अब मैं इसमें ब्रोकली डाल दे रही हूँ और थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। और ये फ्राई हो चुका है तो मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और मैं यहाँ पे चॉप्ड बीन्स और चॉप्ड कैरोट्स डाल दे रही हूँ जिसे मैं शैलो फ्राई करूँगी। और ये फ्राई हो चुकी है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। चॉप किए हुए पनीर मैं डाल दे रही हूँ और मैं इसे भी फ्राई करूँगी शैलो फ्राई। और ये शैलो फ्राई हो चुकी है तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा, चॉप्ड किए हुए लहसुन, चॉप्ड किए हुए हरी मिर्च और सबको मैं शैलो फ्राई करूँगी। और अब मैं यहाँ पे चॉप किए हुए प्याज डाल दे रही हूँ। इसे भी मैं शैलो फ्राई कर ले रही हूँ साथ में। और ये शैलो फ्राई हो चुकी है तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सबकी मेज़रमेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं मेज़रमेंट नहीं बताई हूँ। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मसाला को मैं अच्छे से भून ले रही हूँ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले ना। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ फ्राइड ब्रोकली, फ्राइड कैरट्स एंड बीन्स डाल रही हूँ मैं अब। इसे मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किए हुए आलू। हरे मटर
और थोड़ा सा पानी मैं फिर से डाल चुकी हूँ। लगभग आधा ग्लास पानी मैं डाली हूँ। नमक स्वाद अनुसार, चॉप किए हुए टमाटर, और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। बीच बीच में मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें फ्राइड पनीर डाल दे रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ और मोस्ट प्रोबेबली ये पक चुका है। और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ते चॉप किए हुए, और ये फाइनली पूरी अच्छे तरह से पक चुका है। मैं एक सर्व प्लेट में इसे सर्व करती हूँ, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैं इसे गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ते चॉप किए हुए डाल रही हूँ, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप घर पे ज़रूर से बनाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ब्रोकली ज़्यादा अच्छी लगती है या कॉलीफ्लावर ज़्यादा अच्छी लगती है, कमेंट में बताइए। और आप बताइएगा कि आपने कभी ब्रोकली ट्राई की है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।